जूनो स्पेसक्राफ्ट की बदौलत वैज्ञानिकों को जुपिटर प्लैनेट के बारे में एक अहम जानकारी मिली है। उन्हें पता चला है कि जुपिटर को ढकने वाले भूरे रंग के अमोनिया बादलों के नीचे छुपे हुए बादल हैं, जो पृथ्वी की तरह ही पानी से बने हैं। पृथ्वी की तरह इन बादलों में भी अक्सर बिजली उत्पन्न होती है। अभी तक वैज्ञानिक ये नहीं समझ पाए थे कि दोनों प्लैनेट्स के बीच इतना अंतर होने के बावजूद उनमें बिजली चमकने की प्रक्रिया कैसे एक जैसी है। जूनो स्पेसक्राफ्ट बीते कई साल से जुपिटर प्लैनेट की परिक्रमा कर रहा है। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा और एक गैसीय प्लैनेट है। ये इतना बड़ा है कि सभी प्लैनेट्स इसमें फिट हो सकते हैं। करीब 1300 पृथ्वी इसमें समा सकती है। जूनो स्पेसक्राफ्ट के पिछले 5 साल के डाटा को खंगालने के बाद वैज्ञानिकों ने दिलचस्प जानकारी हासिल की है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जुपिटर प्लैनेट में भी बिजली चमकने की प्रक्रिया वैसी ही है जैसे पृथ्वी पर होती है। चेक एकेडमी ऑफ साइंसेज की प्लैनेटरी साइंटिस्ट इवाना कोलमासोवा ने कहा कि बिजली चमकना एक तरह का इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है, जो कि बादलों के गरजने के कारण होता है। उन्होंने कहा कि ऐसा बादलों में मौजूद बर्फ और पानी के कणों की टक्कर से होता है। जुपिटर पर बिजली के गरजने का पता सबसे पहले साल 1979 में चला था। नासा के वॉयजर 1 स्पेसक्राफ्ट ने इस बारे में जानकारी जुटाई थी। खास ये है कि सोलर सिस्टम के अन्य प्लैनेट सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून में भी बिजली चमकने का पता चला है। वीनस प्लैनेट को लेकर भी कुछ सबूत मिले हैं, लेकिन उनकी पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं जुपिटर और पृथ्वी पर बिजली चमकने की दर समान है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। जुपिटर प्लैनेट प्रमुख रूप से हाइड्रोजन और हीम से बना है। लगभग 1,43,000 किलोमीटर व्यास वाले इस प्लैनेट पर तूफान आते रहते हैं। जूनो स्पेसक्राफ्ट साल 2016 से जुपिटर प्लैनेट की परिक्रमा कर रहा है और इसके वातावरण, आंतरिक संरचना और चुंबकीय क्षेत्र आदि के बारे में जानकारी जुटा रहा है।